कर दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड सोशल साइंस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, और वो है न्यू लीव रूल्स FR&SR पार्ट 3, सेंट्रल सिविल रूल्स 1972। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नवीन अवकाश के जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो नियम हैं, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो स्पेशली केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज के साथ साथ जो केंद्रीय जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है, उन सब के लिए छुट्टियों से संबंधित, अवकाश से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी, सामान्य जानकारी आपके लिए इसमें प्रस्तुत की जा रही है। इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको, ये बहुत अच्छी जानकारियाँ हैं जो आपको हर समय उपयोग में आएगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इस तरह के वीडियो को लेकर आगे में मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवकाश कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन में देखते हैं, केंद्रीय कर्मचारियों को CL, EL, HPL, CCL, मैटरनिटी, पैटरनिटी, स्टडी लीव, मेडिकल लीव, EOL संबंधित अनेक तरह की छुट्टियाँ मिलती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी छुट्टियाँ के संबंध में क्या क्या नियम जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हैं। सबसे पहले हम अवकाश के जो सामान्य नियम है, लीव रूल्स के जो सामान्य नियम हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि केंद्र सरकार के जो अधीन कार्यालय हैं उसके सभी कर्मचारियों हेतु अवकाश के जो नियम हैं, केंद्रीय नागरिक सेवा के अवकाश नियम 1972 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सारे नियम जो है 1972 में सेंट्रल सिविल रूल्स के द्वारा बनाए गए थे, और इनको CCS लीव रूल्स 1972 कहा जाता है। तो ये 1972 के नियम हैं। इन नियमों में अब अवकाश के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, काइंड्स ऑफ लीव कौन कौन से हैं। तो इसमें अर्जित अवकाश, जिसको EL कहा जाता है, अन लीव, ठीक है, दूसरा कैजुअल लीव या आकस्मिक अवकाश है, तीसरा अर्धवैतनिक अवकाश या हाफ पे लीव है, HPL जिसको कहते हैं, मातृत्व अवकाश जो है मैटरनिटी लीव है, फिर पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव जो है, फिर चाइल्ड केयर लीव जो है वो इसमें आती है, असामान्य अवकाश या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है वो भी लीव के एक प्रकार में है, कंपेंसेटरी कैजुअल लीव CCL जिसको कहा जाता है, क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश वो भी लीव का एक प्रकार है, स्टडी लीव, अध्ययन अवकाश जो है वो लीव का एक प्रकार है, विशेष आकस्मिक अवकाश स्पेशल कैजुअल लीव है, लीव नॉट ड्यू है, अदेय अवकाश है, दुर्घटना बीमारी अवकाश, इंजुरी एंड सिकनेस लीव है। तो ये विभिन्न प्रकार की छुट्टियां या अवकाश है जो इन CCS रूल्स के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें से हम पहले सामान्य नियम देखेंगे, फिर इसके बाद एक एक करके सभी तरह की जो लीव्स हैं उनके बारे में, जो सामान्य नियम हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अवकाश के संबंध में जो सामान्य नियम हैं स्पेशली टीचर्स के लिए, वो नियम क्या क्या हैं अगर हम उसकी बात करें। तो सभी तरह की लीव में, किसी भी तरह का अगर आपको अवकाश प्राप्त करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो भी कंपिटेंट ऑथोरिटी है उनसे प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड रहती है। सभी छुट्टियों के लिए एडवांस में आपको स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए, ये इसके सामान्य नियम है जिसको हमें ध्यान रखना है। दूसरा, लीविंग हेडक्वार्टर इज नॉट परमिसेबल ड्यूरिंग लीव विदाउट परमिशन ऑफ सैंक्शनिंग अथॉरिटी। स्वीकृत प्राधिकारी जो भी है, जो हमारे लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, उनकी अनुमति के बिना हम छुट्टी के दौरान मुख्यालय नहीं छोड़ सकते। यानी CL के साथ अगर आपको मुख्यालय भी छोड़ना है तो हेडक्वार्टर लीव जो है वो भी लेना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इस तरह की जानकारी होने से आपको भविष्य में होने वाले किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है, अवकाश के दौरान जो भी समस्याएं आती है उनसे बचा जा सकता है। तो हेडक्वार्टर लीव जो है वो कंपलसरी है अगर आप हेडक्वार्टर छोड़ते हैं तो। ठीक है, फिर अवकाश के संबंध में शिक्षकों के लिए क्या क्या मुख्य जानकारी है उसके अंदर अगर हम बात करें, तो किसी भी प्रकार की नियमित छुट्टी, रेगुलर जो छुट्टियाँ होती है जिसमें CL और CCL छुट्टियों में काउंट नहीं होती, ये ध्यान रखना, का लाभ उठाने के बाद एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रिंसिपल को देना आवश्यक है। जो हमारे ऑथोरिटी है उनको ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है देनी कंपलसरी है। यानी आप अगर CCL और CL ले रहे हैं तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है, और उसके अलावा कोई अवकाश लेते हैं तो आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी देना ज़रूरी है अवकाश अवेल करने के बाद। ठीक है, बिना किसी ठोस कारण के अवकाश लेने से बचें, ये
एक एडवाइजरी टाइप में है कि अगर आपके पास कोई विशेष रीजन नहीं है, सॉलिड रीजन नहीं है, तो आपको छुट्टी नहीं लेनी चाहिए. विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीव प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन. छुट्टी की समाप्ति के बाद अगर आप अपनी ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थित रहते हैं, यानी छुट्टी के पूरी हो जाने के बाद भी आप अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जा सकता है. ठीक है, तो छुट्टी जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद आपको अपने ड्यूटी को ज्वाइन करना ज़रूरी है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में. ठीक है, जनरल रूल्स, अगर सामान्य सिद्धांत की बात करें तो लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट. छुट्टी का आपका कोई अधिकार नहीं है. ये बहुत बड़ी चीज़ है कि छुट्टी या अवकाश जो है वो अधिकार के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता. यानी अगर आपको आवश्यक कार्य है, आप एप्लीकेशन देते हैं अवकाश के लिए, लेकिन अधिकारी चाहे तो उसे अस्वीकृत भी कर सकता है, क्योंकि छुट्टी किसी भी एम्प्लॉय का राइट नहीं होता है एज पर दीज रूल्स, CCS रूल्स 1972 में. लीव इज नॉट ए राइट ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है, जब सार्वजनिक सेवा की अत्यावश्यकताओं की आवश्यकता होती है, यानी जब आपकी ड्यूटी रिक्वायर्ड होती है, तब क्या है, लीव ऑफ एनी काइंड मे बी रिफ्यूज. किसी भी तरह के अवकाश को जो है अस्वीकृत किया जा सकता है. यानी आप छुट्टी पर जा रहे हैं तो आपको मना भी किया जा सकता है, आप छुट्टी पर हैं तो आपको वापस बुलाया भी जा सकता है. यानी इन केस ऑफ इमरजेंसी, ऐसा कोई इमरजेंसी केस आता है तो आपकी छुट्टी रद्द भी की जा सकती है और आपको वापस भी बुलाया जा सकता है. ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि वो लीव ग्रांट करे या ना करे. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि छुट्टी जो है एक राइट नहीं है एज पर दिस रूल, और छुट्टी को मना भी किया जा सकता है, छुट्टी कैंसिल भी की जा सकती है. नो लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी ग्रांटेड टू ए कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 5 years एक्सेप्ट विद द सेंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. किसी भी प्रकार की छुट्टी जो है उसका मैक्सिमम पीरियड जो है वो 5 years तक ही है. 5 साल से अधिक की छुट्टी जो है किसी भी हालत में बिना राष्ट्रपति की अनुमति के स्वीकृत नहीं की जा सकती है, और राष्ट्रपति भी विशेष परिस्थितियों में ही इस तरह की लीव को जो है ग्रांट करता है. यानी मैक्सिमम छुट्टी का जो पीरियड है वो 5 years हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी. ये कुछ सामान्य नियम हैं. इसके बाद हम बात करते हैं और अगर इन नियमों की, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव कैन बी अवेल्ड इन कॉम्बिनेशन. विभिन्न प्रकार की छुट्टियों को साथ में भी लिया जा सकता है. ठीक है, मतलब हम EL के साथ जो है कोई दूसरी लीव भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना CL जो होती है उसके साथ किसी अन्य अवकाश को जोड़ा नहीं जा सकता है. यानी जो आपके अवकाश हैं, अधिकृत अवकाश आपके पास जो हैं, वो जिनको आप ले सकते हैं, वो अवकाश के साथ CL को कंबाइन नहीं किया जा सकता. ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है. अगर आप बिना परमिशन के छुट्टी के बाद भी ओवरस्टे करते हैं, लीव विदाउट प्रायर सेंक्शन, एंड इफ़ यू ओवरस्टे इट विल बी ट्रीटेड एज EOL. तो ऐसे अनुपस्थित पीरियड के लिए, वो छुट्टियां जो आपकी छुट्टियां ख़त्म होने के बाद आप लेते हैं, ओवरस्टे करते हैं, तो उन छुट्टियों को EOL माना जाएगा. ठीक है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ ऑन लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड विल बी परमिटेड टू रिटर्न ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन ऑफ ए फिटनेस सर्टिफिकेट From AMA, CGHS doctor, registered medical practitioner, as the case may be. यदि आप छुट्टियों पर जाते हैं, वो भी चिकित्सकीय कारणों से, मेडिकल कारणों से अगर आप छुट्टी पर रहते हैं, तो ऐसे में आपको छुट्टी के बाद एक फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो अपने ऑफिस को प्रोवाइड कराना होता है, जो कि किसी रजिस्टर्ड जो मेडिकल ऑफिसर, जो चाहे CGS डॉक्टर हो सकते हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स गवर्नमेंट के जो भी होते हैं, उनसे बना हुआ होना ज़रूरी है. यानी मेडिकल लीव पर आप हैं तो उसके बाद आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देना कंपलसरी होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, वो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, उसी में होना
चाहिए। फिर और अगर लीव से संबंधित सामान्य नियमों की बात करें तो लीव इन कंजक्शन विद ब्रेक्स ओनली हैज़ टू बी सेंक्शन बाय रीजनल ऑफिस। अगर आप अवकाश किसी ब्रेक के साथ लेते हैं, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में बीच में जो है 10-10 दिन के ब्रेक्स आते हैं छुट्टियों के, तो ऐसे ब्रेक जो होते हैं वो उनके साथ आप CL नहीं ले सकते हैं। और अगर CL लेते हैं या कोई अवकाश के बाद कोई दूसरी छुट्टी को कंबाइन करते हैं तो उसके लिए पहले आपको रीजनल ऑफिस जो होते हैं उसमें जो DC डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं उनसे, उपायुक्त महोदय से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। CL कैन नॉट बी कंबाइंड विद ब्रेक्स, ब्रेक्स के साथ CL को कंबाइन नहीं किया जा सकता है। कन्वर्जन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव टू अनादर कैन बी डन विद इन 30 days ओनली। ये एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप अपनी छुट्टी को बाद में परिवर्तित कराना चाहते हैं, ठीक है, आपने EL ली है उसको CL में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, या CL ली है उसको EL में बदलवाना चाहते हैं, या मेडिकल लीव HPL में बदलवाना चाहते हैं, तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर आप बदल सकते हैं। सामान्य नियम ये है, विशेष परिस्थितियों में ये जो अथॉरिटी होती है उन पर डिपेंड करता है, लेकिन 30 दिन का जनरल नियम है। एनी काइंड ऑफ लीव कैन बी कंबाइंड विद वेकेशन विद प्रायर परमिशन। किसी भी प्रकार की छुट्टी वेकेशन के साथ जो है कंबाइंड की जा सकती, ब्रेक के साथ कंबाइंड नहीं होती, ये दोनों में डिफरेंट जान लेना। वेकेशन जो होता है विंटर और समर का, उस वेकेशन के साथ आप अन्य किसी प्रकार के अवकाश को जोड़ सकते हैं विथ प्रायर परमिशन, लेकिन उसकी पूर्व अनुमति लेना आपको आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी सामान्य जानकारियाँ हैं छुट्टियों के संबंध में, जिसको हर कर्मचारी को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रकार के अवकाश, दैट इज़ अर्न लीव और अर्जित अवकाश। अर्जित अवकाश के संबंध में जो सामान्य नियम है अगर हम उसकी बात करें तो ऑर्डिनरली फॉर मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफ KVS या जिसको नॉन वेकेशन स्टाफ कहते हैं, लीव क्रेडिट विल बी अफोर्डेबल इन एडवांस एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 15 days ऑन द 1st January एंड 1st July एवरी ईयर। जो नॉन वेकेशनल स्टाफ होते हैं, जिनको वेकेशन नहीं मिलता है, जो पूरे ईयर ड्यूटी करते हैं, ऐसे स्टाफ के लिए हर साल साल में 2 बार 15-15 दिन का अवकाश जो है EL, वो 1st January और 1st July को उनके EL अर्जित अवकाश का जो खाता होता है उसमें ऐड कर दिया जाता है। इफ़ एन एम्प्लॉई ज्वाइन इन बिटवीन द ईयर देन EL विल बी क्रेडिटेड एट द रेट 2.5 per month। और यदि कोई कर्मचारी जो है सरकारी कर्मचारी ईयर के मध्य में यानी 6 महीने उसको पूरे नहीं होते हैं, तो ऐसे में पर मंथ 2.5 EL के हिसाब से उसकी EL जोड़ी जाती है उसके खाते में। यानी 6 महीने अगर आपके कंप्लीट हैं तो 15 EL मिल जाएगी, उसके बाद अगर आपके 5 महीने ही होते हैं तो 5 महीने कंप्लीटेड मंथ अगर 5 हैं तो आपको 2.5 यानी 12.5 और उसका जो है राउंड ऑफ करते हैं तो 13 EL जो है आपके खाते में जुड़ेगी। और ऐसे ही अगर आपके 1 मंथ होता है तो 2.5 जो EL है वो जुड़ती है, यानी राउंड ऑफ करके 3 जो है आपके खाते में जोड़ी जाएगी। तो इस तरह से ये जो है EL का नियम होता है, नॉन वेकेशनल को 15-15 टोटल ईयर की 30 EL जो है वो क्रेडिट की जाती है जनवरी और जुलाई के महीने में 15-15 के हिसाब से। द EL क्रेडिट टू बी अफोर्डेड विल बी रिड्यूस बाय 1/10 ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अवेल्ड और पीरियड ऑफ डाइजनन ड्यूरिंग द प्रीवियस हाफ ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 15 days। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने EL क्रेडिट होने के पहले के 6 महीने में अगर आप जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर रहते हैं, विशेष अवकाश असाधारण अवकाश पर रहते हैं, या आपका जो पीरियड है वो डाइजनन कर दिया गया, आप अनुपस्थित रहे, ड्यूटी पर नहीं थे, तो जितने दिन आप डाइजनन रहते हैं उतने पीरियड को या उसमें से 1/10 जो भी आपका अवकाश EOL है वो उतनी EL आपकी जो 15 EL मिलने वाली है उसमें से माइनस हो जाती है, ठीक है। ये एक नियम है कि आप अगर EOL या डाइजनन रहते हैं तो आपकी जो क्रेडिट होने वाली EL है उसमें से 1/10 या आपकी जितने दिनों की अनुपस्थिति है उतनी या फिर अधिकतम मैक्सिमम 15 days की EL जो है वो आपको माइनस की जा सकती है, यानी क्रेडिट
जो होगी वो उसमें से माइनस हो जाएगी। तो ईओएल और डाइजनन के संबंध में ये एक नियम है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर ईएल से संबंध में अगर आगे हम बात करें तो इन केस एनी वेकेशन स्टाफ परफॉर्म ड्यूटी ड्यूरिंग एनी वेकेशन एंड और ब्रेक ही इज और शी इज एंटाइटल्ड टू गेट ईएल @5 ऑफ सच ड्यूटी पीरियड एज एन एडिशनल फॉर्म। और यदि कोई वैकेशनल स्टाफ है और उस वैकेशनल स्टाफ ने अवकाश के दौरान ब्रेक के दौरान अगर ऑन ड्यूटी रहते हुए कार्य किया है तो ऐसे जितने दिन की उन्होंने कार्य किया है उसको पर 5 डे के 5 दिन अगर उन्होंने कार्य किया है तो 2 ईएल उनके खाते में क्रेडिट होगी, अगर 10 दिन कार्य किया है तो 4 ईएल उनके खाते में जमा होगी वेकेशन की अवधि के दौरान कार्य करने पर। However, he or she is entitled such additional form of EL after completing 10 continuous days of working during vacation. लेकिन ये EL क्रेडिट होने का जो रूल है कि अगर वेकेशन में आपने काम किया है तो कंटिन्यू अगर आप 10 दिन तक काम करते हैं तो आपको EL जो है 2@5 के हिसाब से क्रेडिट की जाएगी, यानी 10 दिन की 4 EL मिलेगी। और अगर आपने 10 कंटिन्यू डे काम नहीं किया है तो उन दिनों में जितने भी दिन काम किया है वेकेशन में उसकी एवज में आपको CCL प्रदान की जाती है। बट क्रेडिट ऑफ EL ऑफ सच एम्प्लॉय शुड नॉट एक्सेस 30 डेज। EL से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक कर्मचारी को एक वर्ष में अधिकतम 30 ही EL क्रेडिट की जा सकती है। तो जो वेकेशनल स्टाफ होता है जनरली उनको 10 EL मिलती है और अगर वेकेशन में वो एक्स्ट्रा काम करते हैं तो मैक्सिमम 20 दिन तक की EL ही उन्हें क्रेडिट होगी। 30 दिन से अधिक EL किसी भी कर्मचारी की क्रेडिट नहीं की जाती है एक कैलेंडर ईयर में। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है जो आपको ध्यान रखना है। और अगर वेकेशन में कोई कार्य कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द कंसर्न रीजनल ऑफिस फॉर वर्क ड्यूरिंग वेकेशन। तो वेकेशन में कार्य करने के लिए जो भी कर्मचारी को रोका जाता है तो जो भी प्रिंसिपल या जो अथॉरिटी है उन्हें उसकी प्रायर परमिशन जो है रीजनल ऑफिस से लेना ज़रूरी है और ऐसे परमिशन के बाद ही जो है EL उनके खाते में क्रेडिट की जाएगी। तो ये कुछ EL से रिलेटेड सामान्य नियम है। और अगर हम बात करें तो अर्न लीव कैन बी अवेल्ड अप टू 180 डेज एट ए स्ट्रेच। ठीक है, एक वर्ष एक बार में मैक्सिमम 180 डे यानी 6 महीने तक का EL अवकाश आप ले सकते हैं। आपके पास जितनी EL जमा है उसमें 180 डेज की EL आप वन टाइम में एट ए स्ट्रेच जो है वो ले सकते हैं। मैक्सिमम 180 डेज की EL एक बार में ली जा सकती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। EL जो है वो अक्यूमुलेट भी होती है, अक्यूमुलेट का मतलब हमारे खाते में जमा होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। EL कैन बी अक्यूमुलेटेड अप टू 300 डेज इन एडिशन टू द नंबर ऑफ डेज फॉर विच एनकैशमेंट हैज़ बीन अलाउड अलोंग विद LTC। ठीक है, एक सरकारी कर्मचारी के खाते में मैक्सिमम 300 EL जो है वो जमा की जा सकती है, संचित की जा सकती है, लेकिन उसके साथ जो है 6 बार 10-10 EL आप इनकैश भी करा सकते हैं। ड्यूरिंग आपकी जो सर्विस होती है उसमें मैक्सिमम 6 बार आप 10-10 EL इनकैश करा सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो 300 EL का आपको रिटायरमेंट के टाइम टोटल पैसा मिल जाता है और 60 डेज प्लस अगर हम EL इनकेशमेंट की बात करें LTC में जो मिलता है तो वो भी ले सकते हैं, यानी मैक्सिमम 360 EL का पैसा आपको क्रेडिट हो सकता है, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम आपको सिर्फ 300 EL का ही पैसा क्रेडिट किया जाएगा मैक्सिमम। उससे ज़्यादा अगर EL आपकी बचती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो वो जो है आपकी लैप्स हो जाएगी, वो उसका कोई पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब लीव से रिलेटेड आगे बात करें तो अर्न लीव अकाउंट जो है वो आपका सर्विस बुक में मेंशन होता है। द लीव अकाउंट ऑफ अ टीचर प्रिंसिपल हेडमास्टर लाइब्रेरियन लेबोरेटरी असिस्टेंट और अ वाटरमैन वर्किंग इन ए स्कूल शैल बी क्रेडिटेड इन एडवांस विद अर्न लीव इन 2 installments ऑफ 5 days ईच ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड जुलाई ऑफ एवरी ईयर। जो वैकेशनल स्टाफ के जितने भी लोग हैं, अगर वो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, HM है, लाइब्रेरियन है, ये जितने भी वेकेशनल स्टाफ जो हैं, प्रिंसिपल जो है वो नॉन वेकेशनल पोस्ट है लेकिन कहीं कहीं पर अगर इस तरह की चीज़ होती है तो उनको जो है वर्ष में
पांच पांच ईएल जो है दो बार जनवरी और जुलाई की फर्स्ट को क्रेडिट की जाती है, टू इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट की जाएगी। ठीक है, पांच पांच दिनों की दो किस्तों के रूप में ये क्रेडिट होती है वेकेशनल स्टाफ को। वेकेशनल स्टाफ को यानी 10 ईएल मिलती है, नॉन वेकेशनल को 30 मिलती है। वेकेशनल स्टाफ जो है 10 से ज़्यादा ईएल भी ले सकता है अगर वो वेकेशन में वर्क करता है, लेकिन ये भी मैक्सिमम जो है वो 30 की जो लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी वेकेशन में आप अधिकतम 20 ईएल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एचपीएल की। HPL is credited to KVS or NVS staff in advance at the rate 10 days on 1st January and 1st July every year. If an employee joined in between the year, HPL will be credited at the rate of 5 divided by 3 days for each completed calendar month. HPL या half pay leave, अर्धवेतनिक अवकाश जिसको कहा जाता है, 7th pay के बाद जो है HPL का नियम जो है वो हटा दिया गया, यानी अब HPL क्रेडिट नहीं की जाती है। लेकिन इससे पहले जो HPL क्रेडिट होती थी तो वो हर कर्मचारी को जो है वो साल में 20 HPL क्रेडिट की जाती थी, जिसमें 10 जो है 1 जनवरी को और 10 जो है 1 जुलाई को क्रेडिट होती थी। और अगर बीच में कोई कर्मचारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करता है तो उसको 5/3 के रेशियो से जो है HPL हर कैलेंडर मंथ की दी जाएगी। कंप्लीटेड जितने मंथ कैलेंडर मंथ में होंगे उतने के हिसाब से उसको दी जाएगी। यानी मैक्सिमम 20 HPL क्रेडिट होती थी पहले 10-10 के लॉट के रूप में। द HPL क्रेडिटेड टू बी अफोर्डेड विल बी रिड्यूस बाय 1/18 ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अवेल्ड और पीरियड ऑफ डाइजन ड्यूरिंग द प्रीवियस हाफ ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 डेज। हाँ, EL की तरह HPL में भी ये नियम है कि आपको जो HPL क्रेडिट होने वाली है अगर उससे पहले के 6 महीनों में आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है या डाइजनोन का पीरियड रहा है तो ऐसे में आपकी 1/18 जो HPL है वो आपकी जो है वो लैप्स हो जाएगी और आपको जो है लास्ट 6 मंथ में जितने भी EOL या डाइजनन का पीरियड रहेगा उसमें मैक्सिमम 10 डेज जो है आपकी वो माइनस की जा सकती है अगर आप ईओएल या डाइजनोन रहते हैं। यानी 1/18 का जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल होगा आप जितने दिन ईओएल या डाइजनोन रहते हैं। ठीक है, तो एचपीएल भी जो है वो क्रेडिट होना होता है वो भी कम हो सकती है यदि आप ईओएल या डाइजनोन होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है HPL से रिलेटेड। फिर HPL जो है वो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी ली जा सकती है। ठीक है, अगर आप HPL की छुट्टी लेना चाहते हैं, अर्धवेतनिक अवकाश लेना चाहते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ भी ले सकते हैं और उसके बिना भी ले सकते हैं। ठीक है, HPL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट अर्न ओनली हाफ पे ऑफ द एम्प्लॉई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीव अवेल्ड। अगर आप बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के HPL लेते हैं तो ऐसे जितने भी दिन आप HPL अवकाश पर रहते हैं उतने दिन का आधा वेतन ही आपको क्रेडिट होगा। यानी अगर आप एक महीने में से 5 दिन अगर आप HPL लेते हैं बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के तो उन 5 दिनों का आधा वेतन ही आपको मिलेगा। जो आपके बेसिक पे और DA और HRA जो भी आपको मिलता है वो हाफ हो जाएगा उतने दिनों का और सैलरी में लास्ट में वो माइनस होकर जो है आपको क्रेडिट होगा। ठीक है, तो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के उस दिन का वेतन आधा हो, जितने दिन आप HPL रहते हैं उतने दिन का वेतन आधा हो जाता है, ये ध्यान रखना है। और अगर मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ लेते हैं तो उसको कम्यूटेड लीव कहते हैं, परिवर्तित अवकाश कहते हैं। HPL के साथ अगर आप उसको मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ लेते हैं तो वो कम्यूटेड लीव हो जाती है, परिवर्तित अवकाश हो जाता है। कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ हाफ पे लीव ड्यू कैन बी टेकन ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर परिवर्तित अवकाश जो है देय अर्ध वेतन अवकाश के आधे से अधिक नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो जितना आपका हाफ पे लीव है उसका आधे से ज़्यादा जो है आप कम्यूटेड लीव कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। यदि परिवर्तित अवकाश लिया जाता है तो प्राप्त किए गए दिनों में से 2 बार अर्धवेतन अवकाश खाते में डेबिट किया जाएगा। ठीक है, यानी हर 2 HPL
को एक दिन की सैलरी जो है वो कट हो जाएगी। यानी एक दिन अगर आप एब्सेंट रहते हैं, मतलब 2 दिन एब्सेंट रहते हैं, तो एक दिन का वेतन जो है पूरा आपका, मतलब एक दिन का वेतन कट जाता है अगर आप बिना सर्टिफिकेट रहते हैं। और अगर आप विद सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ HPL लेते हैं, तो जो है 2 HPL लगेगी एक दिन की छुट्टी के एवज में। ठीक है, एक दिन की छुट्टी अगर आप पूरा मतलब 2 HPL जमा कराते हैं, तब आपको एक दिन का अवकाश कम्यूटेड होगा, परिवर्तित होगा। ठीक है, कम्यूटेड लीव कैन बी टेकन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर या बिना उसके भी जो है कम्यूटेड लीव ली जा सकती है, अप टू ए मैक्सिमम 90 डेज इन द एंटायर सर्विस इफ यूटिलाइज फॉर द अप अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर आप सार्वजनिक हित में अध्ययन के लिए जो है स्टडी लीव भी लेते हैं, तो 90 दिनों तक जो है आपकी HPL को जो है स्टडी लीव में कन्वर्ट किया जा सकता है, या स्टडी लीव को आप जो है HPL में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मैटरनिटी लीव लेते हैं, तो अधिकतम 60 दिनों तक आप जो है उसको कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कम्यूटेड लीव या परिवर्तित अवकाश है, वो स्टडी लीव और मैटरनिटी लीव में भी की कंडीशन में भी लिया जा सकता है, कराया जा सकता है। फिर EOL की बात करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवकाश, जिसको असामान्य अवकाश भी कहा जाता है। EOL इज ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट व्हेन नो अदर लीव इज एडमिशनल। असामान्य अवकाश EOL आपको तब मिलती है जब आपके पास किसी तरह का कोई अवकाश नहीं बचता है। आपके पास कोई अवकाश नहीं है, तब आप EOL ले सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हैं। व्हेन अदर लीव इज एडमिशनल बट द गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज इन राइटिंग फॉर EOL। आपके पास अवकाश हैं, लेकिन अगर आप रिटर्न में अपने अथॉरिटी को एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे जो है EOL प्रदान किया जाए, असामान्य अवकाश दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी EOL दिया जा सकता है। यानी आपके पास अवकाश नहीं है, तो वो पीरियड तो EOL ही माना जाएगा। यदि आपके पास अवकाश है भी, और अगर आप रिटर्न में एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे EOL पर जाना है, तो वो भी EOL दिया जा सकता है। EOL ऑल्सो भी ग्रांटेड टू रेगुलराइज पीरियड्स ऑफ एब्सेंस विदाउट लीव रेट्रोस्पेक्टिवली। यदि आप बिना पूर्व अनुमति के अपनी ड्यूटी से एब्सेंट रहते हैं, उस पीरियड को भी आप EOL में कन्वर्ट करा सकते हैं, ये नियमित करा सकते हैं। ठीक है, यानी आप कभी बिना परमिशन के जो है ओवर स्टे कर लेते हैं, और उस पीरियड को बाद में चाहें तो अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देकर उस पीरियड को जो है वो EOL में कन्वर्ट कराया जा सकता है। और ये कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें आपका वो पीरियड जो है वो डाइजनोन अनुपस्थित होता है, कार्य से अनुपस्थित होता है, और वो सेवा रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। तो उस पीरियड से अगर आप डाइजनोन होने से बचना चाहते हैं, तो उस पीरियड को EOL में कन्वर्ट करा लेना चाहिए। कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में EOL लाल शाही से दर्ज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी सर्विस बुक में EOL का रिकॉर्ड जो है रेड इंक से मार्क किया जाता है, रेड इंक से लिखा जाता है आपकी EOL का, कि कितने दिन आप EOL रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद बात करते हैं मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश। महिला कर्मचारियों को ये अवकाश मिलता है। सबसे पहले तो बात है, मैटरनिटी लीव इज़ ग्रांटेड टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन फॉर ए पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। और ये जो मातृत्व अवकाश है, मैटरनिटी लीव है, ये 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके ऊपर प्रदान की जाती है। उनको मतलब 2 मैक्सिमम बच्चों तक ही ये प्रदान की जाती है, वो भी 180 दिन। एक बच्चे के लिए आपको 180 दिन का मातृत्व अवकाश जो है वो प्रदान किया जा सकता है, और पूरे इंटायर सर्विस में 2 बच्चों के लिए ये जो है वो 2 बार दिया जा सकता है एक महिला कर्मचारी को। मैटरनिटी लीव में भी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी अदर काइंड एक्सेप्ट CL। मैटरनिटी लीव को और भी किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, यानी वेकेशन के साथ जुड़ सकती है, या आप EL के साथ जोड़ सकते हैं। और कोई भी अवकाश आप लेते हैं, तो उसके साथ मैटरनिटी लीव को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन CL के साथ जो है मैटरनिटी लीव नहीं जोड़ी जा सकती है। इट इज़ ग्रांटेड ऑन फुल पे। जो मैटरनिटी अवकाश है वो आपको फुल आपकी सैलरी के साथ दिया जाता है। अभी इस रूल में कुछ चेंजेस आए हैं, जिसमें है कि
फर्स्ट जो है इसमें जो है फुल पे आपको दिया जाएगा मैटरनिटी लीव फॉर ए टोटल पीरियड नॉट एक्सीडिंग 45 डेज इन द एंटायर सर्विस में आल्सो बी ग्रांटेड टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन अबॉर्शन। ठीक है, यदि दो साल अपने लाइफ टाइम पीरियड में एक महिला कर्मचारी को जो है दो बार मैटरनिटी लीव जो है वो 180 डेज की दी जाती है, लेकिन उसके साथ ही अगर कभी एबॉर्शन की कंडीशन आती है तो उस पीरियड में भी एक महिला को मैक्सिमम एंटायर सर्विस में मैक्सिमम 45 डेज तक की लीव जो है एबॉर्शन की कंडीशन में विथ मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो 180 डेज के दो टर्म के लिए दो बच्चों के लिए आप मैटरनिटी लीव ले सकते हैं, और इसके अलावा एंटायर सर्विस में महिला कर्मचारी को एक साथ 45 या फिर आने दो तीन बार अगर एबॉर्शन की कंडीशन आ जाती है तो ऐसी स्थिति में भी जो है आपको लीव दी जा सकती है, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जो एबॉर्शन जो है वो किस कारण से हुआ वो जो है मेडिकल सर्टिफिकेट में होगा, तभी आपको जो है ये 45 डेज की एक्स्ट्रा जो मैटरनिटी लीव है वो ग्रांट की जा सकती है एंटायर सर्विस में। ठीक है, तो ये मैटरनिटी लीव से रिलेटेड रूल्स हैं, कुछ सामान्य नियम हैं। अब हम बात करते हैं पैटरनिटी लीव की। पैटरनिटी लीव जो है वो पितृत्व अवकाश कहा जाता है, ये मेल जो एम्प्लॉई हैं उन्हें यह प्रदान किया जाता है। इज ग्रांटेड टू ए मेल गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, लेकिन ये पितृत्व अवकाश या पैटर्निटी लीव भी दो बच्चों तक के लिए ही ग्रांट की जा सकती है, मैक्सिमम दो बच्चों को के लिए मिलती है। 15 डेज ड्यूरिंग कन्फाइनमेंट ऑफ वाइफ विच मीन्स 15 डेज बिफोर और अप टू 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी। पितृत्व अवकाश का नियम ये है कि जो पत्नी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, उसकी गर्भधारण के 15 दिन गर्भधारण के बाद से लेकर 15 दिन कभी भी आप इसको ले सकते हैं, और अगर बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उसके मैक्सिमम 6 महीने तक जो है पितृत्व अवकाश लिया जा सकता है। उसके बाद पितृत्व अवकाश 6 महीने की अवधि के बाद ये जो है लैप्स हो जाता है, उसके बाद नहीं प्रदान किया जाता है। तो इसको विद इन 6 मंथ ऑफ चाइल्ड बर्थ लेना कंपलसरी है, उससे पहले भी ले सकते हैं, चाइल्ड के बर्थ से पहले भी 15 दिन की अवधि तक ये लिया जा सकता है। लीव सैलरी विल बी इक्वल टू द पे ड्रॉन इन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, और इस पितृत्व अवकाश में आपको वो सैलरी मिलेगी जो आप छुट्टियों से पहले ले रहे थे, तो वो सैलरी यहाँ पर प्रदान की जाती है। पैटर्निटी लीव कैन बी कंबाइंड विद एनी अदर लीव, पैटर्निटी लीव को भी अन्य दूसरी छुट्टियों के साथ कंबाइंड किया जा सकता है एक्सेप्ट कैजुअल लीव। ठीक है, आकस्मिक अवकाश के अलावा और अन्य किसी भी छुट्टी के साथ हम पैटर्निटी लीव को जोड़ सकते हैं, वेकेशन के साथ भी जोड़ा जा सकता है। इट इज़ नॉट डेबिटेड टू द लीव अकाउंट, ठीक है, ये आपके छुट्टियों के अकाउंट में से माइनस नहीं होती है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको ये लेनी होती है, उसके बाद लैप्स हो जाती है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़, पैटर्निटी लीव में आप LTC भी ले सकते हैं, LTC कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग पैटर्निटी लीव। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो नया अमेंडमेंट है उसमें पैटर्निटी लीव में LTC भी ली जा सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चाइल्ड केयर लीव की, CCL जिसको कहा जाता है, शिशु देखभाल अवकाश ये कहा जाता है, और ये नया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किया गया अवकाश है, स्पेशली महिला जो है उनके लिए प्रदान किया जाता है, लेकिन इसमें मेल को भी मिलने की शर्तें हैं। वुमेन गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग माइनर चिल्ड्रंस मे बी ग्रांटेड चाइल्ड केयर लीव बाय एन अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 730 डेज ड्यूरिंग देयर एंटायर सर्विस फॉर टेकिंग केयर ऑफ अप टू 2 चिल्ड्रन वेदर फॉर रेयरिंग और टू लुक आफ्टर एनी ऑफ देयर नीड लाइक एग्जामिनेशन सिकनेस एट्सेट्रा। ठीक है, तो चाइल्ड केयर लीव जो है वो महिला कर्मचारियों को प्रदान की जाती है। ठीक है, और ये लीव जो है वो मैक्सिमम 730 डेज तक की एंटायर सर्विस में दी जा सकती है, और ये लीव जो है माइनर चिल्ड्रन की देखभाल के लिए दी जाती है। माइनर चिल्ड्रन का मतलब जो है 18 वर्ष से कम उम्र का अगर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा है, एक या एक से दो बच्चे हैं, तो उन दो बच्चों की देखभाल के लिए ये 730 डेज के मैक्सिमम पीरियड तक दी जा सकती है। ठीक है, और ये
जो है बच्चे के किसी भी कार्य से रिलेटेड जो है ली जा सकती है। CCL शैल नॉट बी एडमिसिबल इफ़ द चाइल्ड इज अबोव 18 ईयर्स, 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चा अगर हो जाता है तो CCL उस केस में नहीं मिलती है। हाउएवर इसमें अगर जो बच्चा है वो PH कैटेगरी का है, विकलांग है या दिव्यांग है, तो ऐसी कंडीशन में जो है उसकी अधिकतम आयु की सीमा जो है हटा दी गई है। यानी अगर किसी कर्मचारी का विकलांग बच्चा है तो CCL जो है उससे अधिक उम्र, 18 साल से अधिक उम्र के बाद भी ली जा सकती है, लेकिन वो 730 डेज की लिमिट जो है उसमें रखी गई है। ठीक है, और CCL के रिलेटेड रूल है कि CCL भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो किसी भी ऑफिस है उसके कामकाज को जो है बाधित नहीं करना चाहिए, उस कंडीशन में दी जाती है। यानी अगर आप CCL लेना चाहते हैं लेकिन आपकी को कोई ऐसा ड्यूटी है जिस जो आपके बिना कोई दूसरा नहीं कर सकता है, तो ऐसे कंडीशन में आपके जो अथॉरिटी है वो आपको CCL के लिए मना भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन CCL मोस्टली जो है मना नहीं की जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में की भी जा सकती है। ठीक है, चाइल्ड केयर लीव के रिलेटेड कुछ नियम जो हैं वो जान लेते हैं। मिनिमम डेज फॉर CCL आर नाउ 5। CCL को लेने के लिए चाइल्ड केयर लीव को एक टाइम में एट ए स्ट्रेच आप मिनिमम 5 डेज तक ले सकते हैं और मैक्सिमम जो है 730 डेज तक इसको लिया जा सकता है। ठीक है, CCL शुड नॉट बी नॉर्मली सेंक्शन ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड में CCL जो है वो सेंक्शन नहीं की जा सकती है। ठीक है, यानी CCL जो है वो प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलेगी। CCL में नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर। एक वर्ष में CCL आप मैक्सिमम 3 बार ही ले सकते हैं। महिला कर्मचारियों के लिए ध्यान रखने की बात है कि वो CCL को एक वर्ष में मैक्सिमम 3 बार 3 स्पेल में ले सकती है। LTC कैन बी अवेल ड्यूरिंग चाइल्ड केयर लीव, और इस CCL के दौरान आप LTC भी ले सकते हैं, LTC पर भी जा सकते हैं, उसका लाभ भी उठाया जा सकता है। तो ये चाइल्ड केयर लीव से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम बात करते हैं स्टडी लीव की। स्टडी लीव के रिलेटेड अगर हम बात करें, अध्ययन अवकाश जो है तो अध्ययन अवकाश अलाउड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, अध्ययन अवकाश आपको सरकारी सेवा में आने के बाद 5 वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद ही दिया जा सकता है, इंक्लूडिंग प्रोबेशन। प्रोबेशन को भी उसमें शामिल किया जाता है। यानी प्रोबेशन के साथ अगर आपके 5 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं तभी जो है स्टडी लीव ग्रांट की जा सकती है। गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट ड्यू टू रीच द एज ऑफ सुपर एन्यूएशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच ही इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू ड्यूटी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लीव। अगर रिटायरमेंट में आपके 3 ही वर्ष बचे हैं और आप ये जो स्टडी लीव है वो लेने के बाद 3 वर्ष से भी कम समय बचा है, तो ऐसे में आपको स्टडी लीव नहीं दी जाएगी। यानी 3 वर्ष से अधिक समय आपका बचना चाहिए रिटायरमेंट से पहले, तब आपको ये लीव सेंक्शन की जा सकती है। ये रिटायरमेंट होने वाले के जो लोग हैं, उम्मीद कर्मचारी हैं, उनके लिए ध्यान में रखने की चीज़ें। गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड एज लेट डाउन इन द रूल 53/4 अंडरटेकिंग टू सर्व द गवर्नमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लीव। स्टडी लीव के लिए जो सरकारी कर्मचारी जाना चाहते हैं उनको एक बॉन्ड पर, जो कि रूल 53/4 के अंदर दिया गया है, उस बॉन्ड को भरना होगा। और उसमें ये शर्त है कि स्टडी लीव से आने के बाद वो कंटिन्यू 3 ईयर्स तक जो है वो उस जॉब से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो लीव की एक्सपायरी के 3 ईयर्स बाद तक आपको वो जो जॉब है वो कंटिन्यू करना होगा, तभी आपको स्टडी लीव दी जाएगी। यानी ये इस तरह का बॉन्ड आपको देना होगा। मैक्सिमम पीरियड इज ऑफ 24 मंथ्स। ठीक है, एक कर्मचारी को जो है 24 मंथ्स मैक्सिमम जो है वो स्टडी लीव दी जा सकती है। अगर जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े डॉक्टर्स हैं तो उनको 36 मंथ की जो है स्टडी लीव दी जाती है। ऑर्डिनरी अलाउड फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एट ए टाइम। जनरली एक अवधि में सामान्यतः जो है 1 वर्ष तक स्टडी लीव दी जाती है, जो मैक्सिमम 24 मंथ्स तक एक्सटेंड की जा सकती है। कैन बी कंबाइंड विद अदर रेगुलर लीव। इस स्टडी लीव को भी दूसरी छुट्टियों के साथ, अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, बट द टोटल पीरियड ऑफ एब्सेंस मे नॉट एक्सीड 28 मंथ्स। लेकिन दूसरी छुट्टियों के साथ और स्टडी लीव
को छोड़कर टोटल जो है 28 महीने से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए, और ये जो दूसरी छुट्टियां उसमें EOL नहीं होने चाहिए आप, यानी बाकी छुट्टियां जो 4 महीने तक की है वो 24 मंथ स्टडी लीव के साथ ली जा सकती है इन ए स्ट्रेच ऑफ 36 मंथ फॉर PhD कोर्सेज। और अगर PhD कोर्स कोई कर रहे हैं तो उसके लिए 36 महीने से ज़्यादा ये जो है छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, स्टडी लीव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो PhD कर रहे हैं तो मैक्सिमम 36 मंथ का पीरियड जो है वो छुट्टी का हो सकता है विथ कंबाइनिंग विथ अदर लीव्स, यानी 24 मंथ की आपको स्टडी लीव मिलेगी और बाकी 12 महीने आप अन्य कोई छुट्टियां ले सकते हैं और PhD कर सकते हैं, मैक्सिमम 36 मंथ का। और बाकी इन अदर केसेस अदर देन PhD अगर हैं तो 28 महीने तक की छुट्टी मिल सकती है, 24 आपको 24 महीने जो है स्टडी लीव प्लस 4 महीने की दूसरी लीव के साथ, ठीक है। तो ये स्टडी लीव से रिलेटेड कुछ सामान्य नियम हैं। इसके बाद आगे बात करें तो स्टडी लीव जो है वो अन्य किसी खाते से माइनस नहीं होगी, यानी वो EL या दूसरे खाते से माइनस नहीं की जाएगी, इसमें लीव सैलरी जो है वो आपको मिलेगी, क्योंकि स्टडी लीव विथ परमिशन होती है और इसलिए इसका जो है सैलरी भी आपको दिया जाता है। अगर आप इंडिया में स्टडी लीव लेकर रह रहे हैं तो आपको आपके पे के साथ DA और HRA भी उसमें मिलेगा, और स्टूडेंट जो आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं तो पे प्लस DA प्लस HRA प्लस आपको स्टडी अलाउंस भी उस पीरियड का दिया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। नो स्टडी अलाउंस इज़ एडमिसिबल इफ़ स्टूडेंट्स आर विद इन इंडिया। स्टडी अलाउंस अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो है लीव सैलरी जो है उन्हें मिलेगी इंडिया में स्टडी करने पर भी, लेकिन विथ परमिशन ये लेनी होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कैजुअल लीव की। कैजुअल लीव जनरली जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली ली जाने वाली लीव है, लेकिन क्या ये रियल में लीव है या नहीं है इसके बारे में अगर हम देखें तो कैजुअल लीव इज़ नॉट अ रिकग्नाइज फॉर्म ऑफ लीव। ये एक रिकग्नाइज फॉर्म नहीं है, छुट्टी का एक प्रकार नहीं है, यानी कैजुअल लीव को छुट्टी नहीं माना जाता है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन कैजुअल लीव इज़ एंटाइटल्ड टू गेट ड्यूटी पे विच मीन्स नॉर्मल ड्यूटी सैलरी। गवर्नमेंट कर्मचारी को कैजुअल लीव के दिन नॉर्मल सैलरी जो है वो प्रदान होती रहती है, इसलिए इसको छुट्टी का एक पार्ट नहीं माना जाता है, इसको छुट्टी का एक प्रकार नहीं माना जाता है। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद स्पेशल कैजुअल लीव बट नॉट इन कंजक्शन विद एनी ब्रेक वैकेशन और एनी अदर टाइप ऑफ लीव। कैजुअल लीव को आप स्पेशल कैजुअल लीव के साथ तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बाकी अन्य किसी प्रकार की छुट्टी के साथ इसको ज्वाइन नहीं किया जा सकता, न ही वैकेशन और ब्रेक के साथ इसको लिया जा सकता है, इवन नॉट कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव, ठीक है। तो CL जो है आप स्पेशल कैजुअल लीव के साथ ही ले सकते हैं, अन्य और किसी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी कंबाइंड विद ज्वाइनिंग टाइम। अगर आप ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो ज्वाइनिंग पीरियड जो आपको मिलता है उसके साथ भी CL नहीं ली जा सकती, यानी ज्वाइनिंग टाइम के साथ CL नहीं मिलेगी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वहाँ अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो EL लेनी पड़ेगी, CL नहीं मिलती है। संडेज एंड हॉलीडेज फॉलिंग ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ कैजुअल लीव आर नॉट काउंटेड एज पार्ट ऑफ कैजुअल लीव। कैजुअल लीव के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स में संडे या कोई हॉलीडे आता है तो उन दिनों को CL नहीं माना जाता, यानी वो छुट्टी छुट्टी ही रहेगी और बीच का जो पीरियड जो आप ले रहे हैं उसको ही CL के रूप में माना जाएगा, ठीक है। हाफ डे कैजुअल लीव कैन बी डेबिटेड टू द CL अकाउंट फॉर ईच लेट अटेंडेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि कोई गवर्नमेंट कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर लेट रिपोर्टिंग करता है, लेट आता है, और तो ऐसे में उस कर्मचारी की आधे दिन का CL जो है लगाया जा सकता है। जो अथॉरिटी होते हैं उसको उनका अधिकार है कि वो आपकी हाफ CL लगा सकते हैं, लेकिन जनरली हाउएवर टू लेट अटेंडेंस इन ए मंथ अप टू एन आवर कैन बी कंडेंड बाय द अथॉरिटी। लेकिन एक महीने में मैक्सिमम 2 दिन एक एक घंटे का आपका जो है लेट रिपोर्टिंग है वो आपके अधिकारी जो है एक तरह से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कंडन कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर ऐसा होता है तो ऐसे में वो आपकी हाफ CL लगा सकते हैं ईच लेट अटेंडेंस। हर बार अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा लेट आते हैं तो ऐसे में आपकी हाफ CL लगाई जा सकती है। KBS NVS एम्प्लॉई आर एंटाइटल्ड फॉर 8 डेज कैजुअल लीव इन ए कैलेंडर ईयर। जो KVS और NVS के एम्प्लॉई हैं उन्हें साल में 8 दिन का कैजुअल लीव मिलता है, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है उसमें कहीं 12 है
अलग अलग है, कहीं 10 दिन का है, लेकिन KVS NVS एम्प्लॉई जो टीचर्स हैं मेनली उनको 8 डेज की CA मिलती है। ऑफिशियल स्टाफ जो है उनको भी 8 डे की CL है। नॉर्मली एट ए टाइम 5 डे CL कैन बी टेकन। एक बार में अधिकतम 5 दिन तक जो है आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है एट ए स्ट्रेच। साल में टोटल 8 है और एक बार में आप 5 दिन का CL ले सकते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उसके अकॉर्डिंग स्पेशल कंडीशन में मेडिकल इमरजेंसी या और कोई कंडीशन होती है तो ऐसे में एक कर्मचारी को अधिकतम 8 दिन का CL भी स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन जनरल रूल जो है 5 डेज का है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंपेंसेटरी लीव, प्रतिपूरक अवकाश जो होता है वो भी दिया जाता है, CCL जिसको कहते हैं। ये भी एक प्रकार का वो अवकाश है जो ड्यूटी पीरियड के दौरान, आपने कोई अवकाश के दौरान कार्य किया है तो उसकी एवज में जो अवकाश दिया जाता है उसको कंपेंसेटरी लीव या प्रतिपूरक अवकाश कहते हैं। अलाउ टू ऑल काइंड्स ऑफ एम्प्लॉई फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ड्यूरिंग हॉलीडेज, सभी तरह के एम्प्लॉई को अवकाश के दिन किए गए कार्य के बदले में जो अवकाश दिया जाता है उसे कंपेंसेटरी लीव कहते हैं। अब अवकाश के दिन अगर आप 2 से 4 घंटे काम करते हैं तो आप हाफ डे कंपेंसेटरी लीव ले सकते हैं। ठीक है, छुट्टी के दिन आपने 2 से 4 घंटे काम किया है तो आपको हाफ डे जो है वो CCL या कंपेंसेटरी लीव मिलेगी, और अगर आपने एक अवकाश के दिन 4 घंटे से अधिक काम किया है तो आपको फुल डे जो है कंपेंसेटरी लीव के लिए एलिजिबल होते हैं, आपको मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसको लेने के संबंध में नियम है कि मस्ट बी यूटिलाइज विद इन 30 डेज। प्रतिपूरक अवकाश या कंपेंसेटरी लीव को जो है 1 महीने के अंदर अंदर आपको अक्यूमुलेट करना है। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसको यूटिलाइज करना है, और इसको जो है कंपेंसेटरी लीव को EL के रूप में कम्यूटेड या लीव जो है कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता है। यानी इसको 1 महीने के अंदर आपको लेना है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आपका जो DDO है वो इस पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकता है। आपको जो है कंपेंसेटरी लीव 1 महीने से ज़्यादा होने पर भी जो है दी जा सकती है, DDO के ये कंसिडरेशन का सब्जेक्ट है, वो इसको बढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन 2 से 4 घंटे में हाफ डे आपको जो है कंपेंसेटरी लीव मिलेगी, और 4 घंटे से अधिक काम करते हैं तो आपको फुल डे की जो है जो लीव मिल सकती है। तो इसी के साथ ये जो छुट्टियों से संबंध, अवकाश के संबंध जो महत्वपूर्ण अवकाश थे उनके सामान्य नियम की जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में मेरे द्वारा आपको दी गई है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही अन्य विषय के ऊपर आगे मैं वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।